बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है रेहान और आज हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाले मोड के साथ। तो गाइज हमारे पास है मोइज या फिर मोइज वो वाले मॉब्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओपी वाले मॉब्स है। बट इनका मोड इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है बहुत सारे फोल्डर्स के साथ खेलना पड़ता है। बट मैंने इनके मोड के साथ अपना जो एक्स्ट्रा गोलम्स है वो वाला मोड भी इंस्टॉल किया हुआ है और उसके साथ ही और उसके साथ ही मैंने म्यूटेंट जो क्रीचर्स होते हैं उनका मॉड भी इंस्टॉल किया हुआ है गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हमको फाइट करवानी है डायमंड गोलेम वर्सेस वो पता नहीं क्या कौन सा मॉब है अंदर, बट उनकी फ़ाइट करानी है। ठीक है, तो गाइस एज यू कैन सी अंदर वो वाला मॉब है, देखो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मारता है भाई। सर्वाइवल में मैं डायमंड सॉर्ड लेके गया था, उसको मारने के लिए बहुत खतरनाक मारता है और वो पूरा स्टील का, जैसे हम उसको उसके ऊपर सोड मारते हैं ना तो स्टील जैसी आवाज़ आती है गाइस। तो अभी हम लोग फटाक से चलते हैं हमारे डायमंड गोलेम को लेके उसको मारने के लिए। और ये जो दो स्टिक्स आप लोग मेरे हाथ में देख रहे हैं मॉब एंगरर, ये स्टिक क्या करती है, आपको दो मॉब के ऊपर क्लिक करना पड़ता है तब वो दोनों मॉब एक दूसरे से लड़ने लगती है। और ये मॉब किलर स्टिक, इससे अगर कोई मॉब बेकाबू हो जाए और बाहर चला जाए तो आप उसको इससे मार सकते हो, ठीक है, और दूसरा स्पॉन कर सकते हो। तो अभी हम लोग फटाक से काम करते हैं, हम लोग फटाक से चलते हैं अंदर। तो हमने डोर ओपन कर लिया, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका हेल्थ बार आ रहा है और मैं आपको इसको मार के दिखाता हूँ। देखा स्टील का आवाज़ आ रहा है, देखा कितना ओपी है मतलब। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक डायमंड गोलेम स्पॉन कर लेते हैं इसको मारने के लिए। अब पता नहीं कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली लड़ने लगेंगे या फिर अपने को स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने इसको स्पॉन कर लिया डायमंड गोलेम को और ये इसको डायरेक्टली मारने के लिए जा रहा है क्योंकि ये इविल है और ये अच्छा है, मतलब गुड मॉब है और ये बैड मॉब है। तो गाइस अब दोनों की लड़ाई ये देखते हैं कि क्या होता है। और ये डायमंड गोलेम को बहुत ज़बरदस्त नॉकबैक पड़ा है और गोलेम का एक हिट भी नहीं लग रहा, उसको का एक हिट भी नहीं लग रहा। ओपी लड़ाई शुरू है यहाँ पर, बट डायमंड गोलेम बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा। बारिश शुरू हो चुकी है, डायमंड गोलेम भी क्रैक हो चुका है। डायमंड गोलेम को रिपेयर कर देते हैं, डायमंड गोलेम को हमने रिपेयर कर दिया है गाइस एज यू कैन सी। वेदर को हमने क्लियर कर दिया है गाइस, मतलब बारिश की आवाज़ भी आ रही है पीछे से बैकग्राउंड नॉइज। तो गाइस जाएगी तो दोनों की लड़ाई से बहुत ही ज़्यादा तरीके से शुरू हो चुकी है। भी मार रहा है तो इसको मार ही नहीं पा रहा बेचारा डायमंड, इसको मार नहीं पा रहा गाइज। आप देख सकते हो इसकी एक भी एचपी नहीं गई है, तो बहुत सारे डायमंड्स नीचे गिर चुके हैं। डायमंड गोलेम के मरने के बाद 17 डायमंड मिले, एक रेडस्टोन डस्ट मिली हमको, बट ये हमारे कुछ काम की नहीं तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे फेंक देते, जाने दो कोई नहीं। तो अब हम लोग करते हैं फिर से दो डायमंड गोलेम स्पॉन और देखते हैं कि दोनों मिलके इसका कुछ बिगाड़ पाते हैं या नहीं। वैसे मेरे को तो लग रहा है कि नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि इसको 1% भी डैमेज नहीं लगा कि डायमंड गोलेम का। और लास्ट में हम निकालेंगे हमारी मास्टर की, ये दोनों अगर हार गए तो हम हमारी मास्टर की निकालने वाले हैं। मास्टर की बहुत ही ज़्यादा ओपी है गाइस, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। और लड़ाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बट अभी 1% भी डैमेज जो है इस पहलवान को नहीं पड़ा है, बहुत ही खतरनाक है। इसका जो हाथ में जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, शायद उसका 50 या 60 अटैक डैमेज होगा। तो हमारे डायमंड गोलेम की जो है गाइज वो 200 होती है और इतना इजीली वो नहीं मरता, बट उसको इतना खतरनाक तरीके से मार दिया गाइज। तो एज यू कैन सी दोनों को पछाड़ दिया, 1% हेल्थ नहीं गई गाइज इसकी। तो अब हम लोग स्पॉन करने वाले हैं द ग्रेट, द लेजेंडरी, द बेडरॉक, द गोलेम। तो गाइस बेडरॉक गोलेम स्पॉन हो चुका है, अब इसकी तो खैर भाई, तो अरे भाई करना शुरू भी करो, इसको लगता नहीं है, ये लगता नहीं है, ऐसे ही है। तो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं गोलेम को करने के लिए एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी को स्पॉन कर देते हैं, ठीक है। बट स्पॉन करके कोई फायदा नहीं भाई क्योंकि गोलेम कोई मार देगा। तो क्या करते ऐसे नहीं, इसको ऐसे ऐसे अभी ये तो कर दी खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो हो चुकी है बट अभी
इसको एक भी डैमेज नहीं पड़ा है। क्या भाई पूरे के पूरे डायमंड ब्लॉक तोड़ दिए। बहुत ही खतरनाक मॉब है गाइस। बेडरॉक गोलेम का मतलब ये दया। तुम लोग भाग गए दरवाजा तोड़ के। बहुत ही करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। और 2-3 1 तो गाइस एज यू कैन सी जो है मेटल वाला पहलवान है ये मर चुका है। बट इसको बेटर ऑफ गोलम ने नहीं मारा, इसको हमने मारा है। दया दरवाज़ा तोड़ दो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसे लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आपको अगर ये मॉड चाहिए तो प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सो मेक श्योर टू लीव अ लाइक सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। या खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।